नेपोटिज्म। बीते एक साल में इस लफ्ज का इस्तेमाल इतना हुआ है कि अब करीब हर शख्स इस लफ्ज का मतलब जानता है। वो मतलब जो पावरफुल व्यक्ति के अपने जानने वाले को स्थान देने की ओर इशारा करता है। नेपोटिज्म राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक करीब हर प्रोफेशन में देखने को मिलता है, मगर बात अगर क्रिकेट की हो तो यहाँ नेपोटिज्म के बल पर टिक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैदान में किया गया प्रदर्शन सिपाही नहीं छुपता है। यही वजह है कि बहुत से बड़े क्रिकेटर्स के भाइयों को भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो मौके नहीं मिल पाए जो किसी और फील्ड में कामयाब हस्ती के भाई को आराम से मिल सकते थे। हालांकि उन खिलाड़ियों ने मेहनत काफी की, मगर कुछ खिलाड़ियों की किस्मत तो कुछ का खेल उन्हें अपने भाइयों की परछाई बराबर भी नाम नहीं दिला पाया। तो चलिए दोस्तों, नारद टीवी के इस एपिसोड में ऐसे टॉप 5 भाइयों की जोड़ी से आपको मिलवाते हैं जिनमें एक भाई सुपर हिट रहा तो दूसरे को सुपर फ्लॉप गिना गया। लेकिन दर्शकों, इस कमाल की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक कमाल की जानकारी आप सभी के फायदे के लिए। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग करना आज के जमाने में एक आम बात हो गई है, लेकिन जरा सोचिए यही ऑनलाइन शॉपिंग आपके इनकम का एक जरिया बन जाए तो मजा ही आ जाए, वो भी बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के और अपना बाकी सारा काम करते हुए। दर्शकों, ये काम आप यारी ऐप के जरिए कर सकते हैं और वो भी बेहद आसानी से। इसके लिए आपको यारी ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना रहेगा, जैसे आप बाकी सारे ऐप इंस्टॉल करते हैं, और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद अपना बिजनेस कहीं से भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पसंदीदा प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करना होगा और उस प्रोडक्ट की कीमत में अपना प्रॉफिट जोड़कर उस लिंक को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से शेयर कर देना होगा। बस जैसे ही आपके लिंक से उस प्रोडक्ट की खरीदारी होगी, आपका प्रॉफिट सीधे आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो अब घर बैठे किस्मत को कोसना बंद करिए और घर बैठे लाखों कमाइए। दर्शकों, नारद टीवी कभी भी आपको ऐसी सलाह नहीं देगा जिसमें आपका नुकसान हो। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, ऐप को इंस्टॉल करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और कमाई शुरू करिए। अगर आप यारी ऐप के बारे में फुल डिटेल जानकारी चाहते हैं तो हमारे नए चैनल बिज टॉक्स पर जाइए, वहां आपको यारी ऐप पर एक फुल डिटेल वीडियो मिलेगी। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं हाशिम अमला और अहमद अमला। दोस्तों, हाशिम अमला को साउथ अफ्रीका ही नहीं क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 15 साल लंबे करियर में अमला ने अफ्रीका के लिए रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। अमला ने 375 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में करीब 17,000 रन बनाए हैं, जो इस खिलाड़ी का कद बताने के लिए काफी है। मगर हिट खिलाड़ियों के फ्लॉप भाइयों की इस लिस्ट में हाशिम अमला का नाम शामिल होने की वजह है उनके बड़े भाई अहमद अमला। अहमद उम्र में हाशिम से भले ही 3 साल बड़े हों, मगर इंटरनेशनल क्रिकेट के मामले में वो हाशिम अमला के इर्द गिर्द भी नहीं है। हालांकि अहमद के नाम के आगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 34 की औसत से 6,587 रन है, मगर अहमद अमला कभी इंटरनेशनल लेवल हासिल नहीं कर पाए और 34 साल की उम्र में ही क्रिकेट से संन्यास लेकर बिजनेस फील्ड में करियर बनाने आगे बढ़ गए। चौथे नंबर पर हैं ब्रेट ली और शेन ली। दोस्तों, हो सकता है आप ब्रेट ली के भाई के बारे में पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि क्रिकेट में ली का नाम आने पर चर्चे ब्रेट ली से ही शुरू होकर उन्हीं पर खत्म हो जाते हैं, जिसकी खास वजह रही ब्रेट ली की रफ्तार और उनकी आग उगलती गेंदें। साथ ही ब्रेट ली के स्टाइल की तो क्या ही कहने, मगर यहाँ हम बात ब्रेट ली की नहीं बल्कि उनके बड़े भाई और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन ली की कर रहे हैं, क्योंकि ये लिस्ट ही सुपर हिट खिलाड़ियों के फ्लॉप भाइयों की है, जिसमें शेन ली के आने की मेन वजह है उनके आंकड़े। शेन ली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 45 वनडे मैच जरूर खेले थे, मगर 17.68 की बल्लेबाजी औसत और 25.83 की गेंदबाजी औसत उनके बेहतर खेल से ज्यादा किस्मत की ओर इशारा करती है। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया को एक ऑलराउंडर की सख्त जरूरत थी और ऐसे में शेन को 45 मैच मिल गए, जिसमें शेन ने बस 477 रन बनाए और महज 48 विकेट लिए। हालांकि शेन ली के स्टेटस इतने भी खराब नहीं है, मगर ब्रेट ली जैसे स्टार खिलाड़ी का बड़े भाई होने के नाते उनका इंटरनेशनल करियर बहुत फीका और कमजोर नजर आता है। वैसे ब्रेट ली के शेन ली के अलावा एक और भाई ग्रैंट ली हैं, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही क्रिकेट छोड़ दिया था, इसलिए क्रिकेट गलियारों में सिर्फ शेन ली को ही ब्रेट ली जैसे सुपर हिट खिलाड़ी का फ्लॉप भाई गिना जाता है। महिंदर अमरनाथ और सुरेंद्र अमरनाथ। भारतीय क्रिकेट इतिहास में मशहूर पूर्व खिलाड़ी लाला अमरनाथ का स्थान समुद्र किनारे लगे उस लाइट टावर की तरह है जो भटके हुए मुसाफिरों को राह दिखाने के काम आता है। ऐसी महान शख्सियत की विरासत को आगे बढ़ाया उनके 3 बेटों महिंदर, राजेंद्र और सुरेंद्र अमरनाथ ने। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए तीनों भाइयों ने कलम को किनारे कर क्रिकेट का दामन थाम लिया। हालांकि सबसे बड़े भाई सुरेंद्र और
सबसे छोटे भाई राजेंद्र पिता लाला अमरनाथ के ख्वाबों को वो आकार नहीं दे पाए जो मझले भाई मोहिंदर अमरनाथ ने दिया। अपने दोनों भाइयों की तरह दाएं हाथ के ऑलराउंडर मोहिंदर ने भारत के लिए 69 टेस्ट और 85 वनडे खेले। इस दौरान मोहिंदर अमरनाथ 1983 विश्व कप जीत का हिस्सा भी रहे, मगर मोहिंदर अमरनाथ जैसे हिट खिलाड़ी के दोनों भाई राजेंद्र और सुरेंद्र अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फ्लॉप रहे। जहां बड़े भाई सुरेंद्र सिर्फ 10 टेस्ट और 3 वनडे मैच ही खेल पाए, वहीं छोटे भाई का सफर तो सिर्फ 36 प्रथम श्रेणी मैचों तक ही सिमट कर रह गया। यही वजह रही कि मोहिंदर अमरनाथ जैसे खिलाड़ी होने के बावजूद अमरनाथ बंधुओं को सुपर हिट खिलाड़ी के सुपर फ्लॉप भाइयों की लिस्ट में शामिल किया गया। हामिश मार्शल और जेम्स मार्शल। मार्शल ब्रदर्स सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि खेल जगत के चुनिंदा जुड़वा भाइयों में से एक हैं। साल 1979 में जन्मे हामिश और जेम्स दोनों दाएं हाथ के ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं। यूं तो हामिश मार्शल अपने जुड़वा भाई जेम्स से कुछ मिनट छोटे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू हामिश ने जेम्स से 5 साल पहले ही कर लिया था। हामिश मार्शल ने न्यूजीलैंड की ओर से 13 टेस्ट और 68 वनडे मैचों में कुल 2106 रन बनाए, यानी हामिश का एक अच्छा अंतरराष्ट्रीय करियर रहा, जबकि जेम्स मार्शल का करियर सिर्फ 7 टेस्ट और 10 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों तक ही सिमट कर रह गया। मार्शल भाइयों का एक साथ खेलना दर्शकों के लिए भले ही मनोरंजक होता था, लेकिन साथी खिलाड़ियों के लिए ये एक परेशानी का सबब था। बकौल ब्रेंडन मैकुलम, हामिश और जेम्स में अंतर सिर्फ जर्सी नंबर देख करके ही बताया जा सकता है। हालांकि जेम्स के ढीले प्रदर्शन के चलते मार्शल बंधु कुछ ही मैच एक साथ खेल पाए, इसलिए मार्शल भाइयों को वन हिट वन फ्लॉप ब्रदर्स के तौर पर याद किया जाता है। और इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं मोहम्मद कैफ और मोहम्मद सैफ। दोस्तों, आज दुनिया मोहम्मद सैफ को उनके छोटे भाई मोहम्मद कैफ के नाम से जानती है, मगर ये शायद ही कोई जानता हो मोहम्मद कैफ को क्रिकेटर कैफ बनाने में बहुत अहम योगदान उनके बड़े भाई मोहम्मद सैफ का भी था। 19 साल रणजी खेलने वाले पिता मोहम्मद तारिफ से मिले क्रिकेट के खेल को मोहम्मद सैफ ने कम उम्र से ही जुनून बना लिया था, जिसका नतीजा ये रहा कि मोहम्मद सैफ लेट 90s के दौरान भारतीय अंडर 19 टीम का हिस्सा रहे। इस दौरान सैफ वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और आशीष नेहरा जैसे खिलाड़ियों के साथ ब्रेटली और माइक हसी जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ खेले थे, मगर एक ऑलराउंडर के रूप में मोहम्मद सैफ कुछ खास नहीं कर पाए। यही वजह रही कि मोहम्मद कैफ जैसे बड़े खिलाड़ी का भाई होने के बावजूद मोहम्मद सैफ का सफर घरेलू क्रिकेट तक ही सीमित रह गया, जबकि छोटे भाई मोहम्मद कैफ के खेल का लोहा पूरी दुनिया में माना गया। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट इतिहास के भाइयों की वो टॉप 5 जोड़ियां जिसमें से एक भाई ने क्रिकेट बुक में नए आयाम लिखे, तो दूसरा भाई कभी उस बुक में अपना नाम तक नहीं दर्ज करवा पाया। इस लिस्ट में आपको कौन सा नाम जानकर आश्चर्य हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।